आइए इस पार्ट में हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन किया था, जो कि प्रमेय 1.1 है। ये प्रमेय ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं, जिससे हम लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहां पे r b से छोटी संख्या है। आपको याद होगा कि हमने एक अंडे के विक्रेता वाला उदाहरण देखा था, जहां पे हमको उसके टोकरी में अंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी थी और उसने हमको 7 वाक्य बताए थे। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके इन 7 वाक्यों से कुछ कुछ समीकरण लिख लिए थे। हमने ये भी देखा था कि ये सारे समीकरण a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप के हैं, जहाँ पे r b से कम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हमने HCF और LCM निकालने के लिए किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से दो संख्याओं के बीच का HCF इन 3 चरणों के द्वारा निकाला जा सकता है। हमको सारे चरणों में दोनों संख्याओं पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के समीकरण लिखने होते हैं। आपको ये उदाहरण याद होगा और आपको ये भी याद होगा कि चरण 3 में हम r बराबर 0 का मान खोजते हैं और जैसे ही वह मिल जाता है तो हमको HCF का मान मिल जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि प्रमेय 1.2 है। इसमें हमने देखा था कि हम संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष बना सकते हैं और हमने 32,760 का गुणनखंड वृक्ष बनाया था। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य कारकों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के तौर पे हमने इन 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिखा था। इसके बाद हमने HCF निकालने का एक और तरीका पढ़ा था, जिसमें हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद होगा कि हमने 6 और 20 का HCF और LCM निकालने का प्रयास किया था। HCF के लिए हमको उभयनिष्ठ अभाज्य कारकों की आवश्यकता होती है और LCM के लिए हमें सभी अभाज्य कारकों की उच्चतम घात का गुणनफल निकालना होता है और वही LCM होता है। हमने ये भी देखा था कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसके बाद हमने अपरिमेय संख्याओं की चर्चा करी थी, जहाँ पे हमने सबसे पहले प्रमेय 1.3 देखा था, जो कि कहता है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करता है, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है। आपको याद होगा कि हमने 3 के गुणकों की एक सूची देखी थी, जहाँ पे हमको 36 और 6 और 81 और 9 दोनों मिले थे। इसका मतलब ये है कि यदि 3 36 को विभाजित करता है तो 3 6 को भी विभाजित करेगा, और यदि 3 81 को विभाजित करता है तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। इसके बाद हमने प्रमेय 1.4 देखा था, जो कि ये कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसके उपपत्ति में कोई भी संदेह हो तो पीछे जाके वह वाला वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हमने प्रमेय 1.5 देखा था। ये प्रमेय कहता है कि अगर x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो अगर हम x को p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। उदाहरण के तौर पे हमने 0.375 और 23.3408 को p बटा q के रूप में लिखा था, और हमने ये देखा था कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है। इससे हम निष्कर्ष निकाल पाए थे कि प्रमेय 1.5 ये कहता है कि अगर संख्या x है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसको p बटा q के रूप में व्यक्त करने पर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आता है।
इसके बाद हमने प्रमेय 1.6 की चर्चा करी थी, जो कि प्रमेय 1.5 का विलोम होता है। प्रमेय 1.6 ये कहता है कि अगर कोई परिमेय संख्या x है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, और अगर q के अभाज्य गुणन खंडन का रूप 2n गुणा 5m आता है, तो संख्या x का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके हमने दो उदाहरण देखे थे, 3/8 और 14588/625, और इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा था कि संख्याओं को अंत में हम एक शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने प्रमेय 1.7 देखा था, जो कि ये कहता है कि अगर एक परिमेय संख्या x बराबर p/q है जिसमें q के अभाज्य गुणन खंडन का रूप 2n गुणा 5m के रूप में नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। हमने इसका एक उदाहरण देखा था जहाँ पे हमने 1/7 का लंबी विभाजन प्रक्रिया से भागफल निकाला था, और हमने ये देखा था कि अंकों का एक ब्लॉक बार बार आता है, यह बार बार आना ही अशांत आवर्ती कहलाता है। हमें आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी भाग में कोई संदेह हो तो अपने टीचर से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।